दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल माया अधिकारी वर्ल्ड में, जहां मैं आपको बताती हूँ इजी और हेल्दी डिशेस। तो आज की हमारी रेसिपी है लोबिया दाल के पराठे। विटामिन सी और प्रोटीन से भरपूर ये पराठे बहुत ही टेस्टी होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। हमने यहाँ एक कटोरी लोबिया दाल ली है। लोबिया दाल दिखने में थोड़ी सी सोयाबीन की तरह दिखती है, पर सोयाबीन के दाने थोड़े गोल होते हैं और इसके थोड़े लंबे होते हैं। तो सबसे पहले हमने दाल को अच्छे से धो लिया है और धो के हम इसे भिगोने के लिए छोड़ देंगे करीब 1 से 2 घंटे के लिए। आप इसे बिना भिगोए भी बना सकते हैं, उसमें आपको 2 से 3 सीटी लगानी होगी। अगर आप भिगो के बनाएंगे तो इसमें जल्दी पक जाएंगे। देखिए, हमारी दाल भीग चुकी है, करीब 1 घंटे हमने भीगने के लिए रखा था। प्रेशर कुकर में दाल और 1 गिलास पानी और थोड़ा सा नमक लेके हम 1 सीटी आने तक दाल को उबाल लेंगे। अब हम पराठे का आटा तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ 2 कप गेहूँ का आटा लिया है और इसमें चुटकी भर हम नमक लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका मुलायम आटा तैयार कर लेंगे। आटा हमारा तैयार हो चुका है, अब इसे हम अलग रख देंगे। दाल को हमने अच्छे से उबाल लिया है और इसे हम हाथ से चेक कर लेंगे। देखिए, हमारी दाल अच्छे से उबल चुकी है। अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। दाल को पीसते समय हमें पानी ऐड नहीं करना है। देखिए, हमने यहाँ दाल अच्छे से पीस ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च, थोड़ा भुना हुआ जीरा और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पराठे की स्टफिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आटे से एक लोई लेके उसमें थोड़ा सा आटा लगा के हम थोड़ा सा बेल लेंगे और उसके अंदर हम अपनी स्टफिंग भरेंगे। हमने यहाँ 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग ली है और इसे अच्छे से दबा दबा के भरेंगे। अब इस लोई को अच्छे से बंद करके हम इसका पराठा बेल लेंगे। हल्के हल्के हाथों से हमने पराठे को बेलना है, ज़्यादा दबाना नहीं है, नहीं तो फट जाएगा। हमने जो यहाँ पे पराठा बनाया है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है। आप चाहे तो छोटी लोई लेके छोटा पराठा बनाए। मैंने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जैसे बड़े पराठे बनते हैं वैसे पराठे बनाए हैं। देखिए, एकदम हल्के हल्के हाथों से बेलने से हमारा पराठा बिल्कुल नहीं फटा है और देखिए एकदम अच्छे से पराठा बन गया है। अब दूसरी तरफ हम तवा गर्म कर लेंगे और तवे में हम पराठे को सेकेंगे। एक तरफ से पराठा जब सेक जाए तो हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से सेकेंगे और फिर उसके ऊपर से घी या बटर आप जो भी लगाना चाहें, मैंने यहाँ बटर लगाया है। दोनों साइड अच्छे से बटर लगा के हम पराठे को सेक लेंगे। देखिए, हमारा पराठा यहाँ पे कितना अच्छा बना है, एकदम फूला फूला पराठा। पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे और इसी तरह से हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हमने अपने सारे पराठे सेक लेने हैं। पराठे एकदम रेडी हो चुके हैं। आप पराठे को अचार, चटनी या दही किसी के साथ भी सर्व करें। आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।